हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनायक कुकिंग एंड क्राफ्ट। तो गाइज़, आज मैं आपके लिए ब्रेड का बहुत ही अच्छा नाश्ता लेके आई हूँ। ये नाश्ता ऐसा है कि बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, इससे आपको बिल्कुल पिज्ज़ा वाले टेस्ट आएंगे। तो ये बच्चे और बड़ों दोनों को ही पसंद आएंगे और आप बच्चों के टिफ़िन में या बड़ों के टिफ़िन में भी इसे बना के दे सकते हैं, बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही बढ़िया ये तैयार होता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं अपनी इस रेसिपी को। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। ब्रेड के इस नए नाश्ते को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 3 ब्रेड की स्लाइस लिए हैं। इसके अलावा 1 टेबल स्पून पिज्ज़ा सॉस और ये मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने लिया है जो कि तीखा नहीं होता है। उसके अलावा नमक चाहिए, हल्दी चाहिए थोड़ा सा 1/4 टेबल स्पून, और आपको चाहिए कुकिंग ऑयल 2 से 3 चम्मच। तो ये देखिए मैंने कुकिंग ऑयल भी ले लिया है। और इसके अलावा 1/4 कप आपको चाहिए बेसन। इसके अलावा इनो चाहिए, आधा नींबू चाहिए, थोड़ा सा चीज़ चाहिए, चीज़ के जगह आप पनीर भी ले सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ और पनीर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए 3 मैंने यहाँ पे इस तरीके से प्याज की स्लाइस कट कर लिए हैं। इसके अलावा 1 प्याज को बारीक चॉप्ड किया है, शिमला मिर्च है 3 कलर का मेरे पास, तीनों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप्ड किया है। ये तीनों शिमला मिर्च मिला के आपस में 1/2 कप के करीब हैं। तो देखिए अगर आपके पास जो भी शिमला मिर्च हो, ग्रीन वाला है तो ग्रीन ले लीजिए, रेड है तो रेड ले लीजिए, येल्लो है तो येल्लो ले लीजिए। मेरे पास तीनों था तो मैंने तीनों ही ले लिया है। तो अब चलिए, अब हमें क्या करना है कि इन्हें फ्राई करना है, ये जो कटे हुए हमारे पास शिमला मिर्च और प्याज हैं। तो इसके लिए एक पैन चढ़ाएंगे गैस के ऊपर। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ग्रेट किया हुआ अदरक ले लिया है 1/2 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक कटा हुआ लहसुन। तो गैस पे हमने पैन चढ़ा दिया है, इसके अंदर इसमें हम 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल या फिर जो भी कुकिंग ऑयल आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसे डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन और ये जो अदरक है। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए प्याज। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल ही डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है आपको। और प्याज को हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। तो प्याज को हमने हल्का सा भून लिया है। अब हम इसमें तीनों शिमला मिर्च जो हमारे पास है इन्हें ऐड करेंगे और थोड़ी देर के लिए इसे हम फ्राई करेंगे। आज हम जो ये ब्रेड का नाश्ता आपके लिए लेके आए हैं, इसे खाने पे आपको बिल्कुल पिज्ज़ा वाला टेस्ट मिलेगा और इसे बनाना भी बहुत आसान होता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और अनुभव हमारे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वैसे आप आई बटन पे क्लिक करके हमारे ब्रेड के और भी नए रेसिपीज़ देख सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा सॉस 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप इसके जगह पे टोमेटो केचप और थोड़ा सा रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक आपको अपने स्टफिंग के हिसाब से ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून ही नमक यहाँ पे डाला है। तो देखिए स्टफिंग रेडी हो गई है। अब हम एक इस तरीके से कोई भी बर्तन लेंगे जिसमें हमें इन्हें बेक करना होगा हल्का सा। तो इसके अंदर इस तरीके से स्टैंड रखेंगे और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे 1 कप 2 कप पानी डाल दिया है और इसे हम गर्म होने देंगे और इसे हम अभी ढक देते हैं। अब हम लेंगे बेसन, इसके अंदर 1 चम्मच चीनी डालेंगे। चीनी डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बच्चों के हिसाब से बना रही हूँ इसलिए मैंने हल्का सा मीठा रहा है इसलिए मैंने इसमें चीनी डाला है। तो देखिए अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और अब डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर। उसके बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो मैं यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून नमक डाल रही हूँ और इसमें डालेंगे 1/2 नींबू का रस और अब डालेंगे 1 चम्मच तेल और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका बैटर रेडी करेंगे। तो इसे आप लम्स फ्री बैटर रेडी कर सकते हैं, हल्का हल्का पानी डालते हुए आपको बैटर रेडी करना है। तो बिल्कुल इस तरीके का बैटर आपको बना लेना है। अब इसमें हम 1/2 पॉकेट इनो डालेंगे। इनो डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पे हम 2 से 3 कटोरियाँ ले लेंगे एक साइज़ की और इसी साइज़ का आपको ब्रेड कट करना है। तो हमने कटोरी के साइज़ का ही ब्रेड कट कर लिया है। अब हम तीनों कटोरियाँ लेंगे, इनमें हल्का सा ऑयल लगाएंगे। तो देखिए तीनों कटोरियों में मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा लिया है। अब इनके अंदर ब्रेड रखेंगे इस तरीके से, उसके बाद हम इसमें स्टफिंग रखेंगे तीनों कटोरियों में, फिर ऊपर से 1-1 स्लाइस हम प्याज के रखेंगे। अब इसके ऊपर आप ग्रेट किए हुए चीज़ या फिर पनीर रख दीजिए। और अब हमने जो इस तरीके से बेसन का बैटर रेडी किया है इसके ऊपर से हमें डालना है ताकि ये बिल्कुल कवर हो जाए। तो देखिए तीनों को ही हमने कवर कर दिया। अब हम इन्हें बेक होने के लिए रखेंगे।
तो देखिए हमने यहाँ पे इन्हें रख दिया है और इसे हम ढक देंगे 10 से 12 मिनट के लिए। इन्हें हम बेक होने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए हमने 12 मिनट तक इन्हें बेक कर लिया है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बेक हो गए हैं। तो इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो देखिए अब ये कटोरियाँ थोड़ी ठंडी हो गई हैं, तो अब हम इस तरीके से साइड पे इस तरीके से करेंगे और फिर इस कटोरी को इस तरीके से पलटेंगे। तो देखिए हमारा ये नाश्ता बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इसे इस तरीके से बीच से कट भी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा टेस्टी सा ये नाश्ता बिल्कुल रेडी है। खाने में बहुत ही अच्छा लगता है और देखने में भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।